असलकम वरक बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनके चेहरों पर छाइयाँ पड़ जाती हैं कील मुहासे आ जाते हैं आज हम आपके सामने पांच नुस्ख़े देसी नुस्ख़े जो आप ख़ुद अपने घर में तैयार कर सकते हैं बताएंगे और अगर आप उसको आज़माते हैं उस अमल करते हैं तो इन चेहरा भी खूबसूरत होगा चांद की तरह चमकदार होगा और इसी तरह कील मुहासे वगैरह अगर आपके चेहरे पर दाने वगैरह हैं तो इन वो भी ख़त्म होते नज़र आएंगे किसी डॉक्टर के पास आपको नहीं जाना है आपके किचन में वो सारी चीज़ें आपके घर में मौजूद रहती हैं आप खुद तैयार करके खुद इसको बनाकर कर आप इस्तेमाल में ला सकते हैं इन चेहरा बहुत खूबसूरत हो जाएगा और किसी भी किस्म के इधर उधर से जो है केमिकल वाली क्रीम्स इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आज लोग केमिकल वाली क्रीम लगा लगा कर चेहरों को बर्बाद करते हैं लेकिन जो देसी नुस्खे हैं जो हमारे घरों में पाए जाते हैं उन चीज़ों की तरफ हमारी तवज्जो नहीं रहती है तो आइए हम नुस्खों को समाप्त करते हैं समझते हैं कि कैसे उसको करना है और कैसे इस्तेमाल करना है नंबर एक, एक चम्मच से लेकर चार चम्मच तक चीनी दाल चीनी का पाउडर ले लें आप कौन सा चम्मच वो छोटा चम्मच चाय का स्पून जिसे कहते हैं हमारे घरों में जो छोटा चम्मच इस्तेमाल होता है तो एक चम्मच से लेकर चार चम्मच तक जितना आपको बनाना हो ठीक है दाल चीनी पाउडर ले लें ले और दो चम्मच शहद ले लें दोनों को पेस्ट बना लें और पेस्ट बनाने के बाद उसे आप अपने चेहरे पर लगा लें और लगाने के बाद तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद आप उसको ठंडे पानी से धो लें कुछ दिनों तक आप इस्तेमाल करेंगे इन चेहरे पर चमक नज़र आएगी तीन से चार दिन के अंदर आप ख़ुद महसूस करेंगे कि आपके चेहरे पर जो कील मुहासा वग़ैरह था वो दाग धब्बे वगैरह थे वो ख़त्म हो जाएंगे ये पहला नुस्खा था दूसरा नुस्खा दो चम्मच जो चाय का चम्मच होता है दो चम्मच नींबू का रस ले लीजिए और दो चम्मच दही और उन दोनों को मिलाकर आप पेस्ट बना लें और उसके बाद आप अपने चेहरे पर लगा लें तीस मिनट तक आप अपने चेहरे पर लगाए रखें और तीस मिनट के बाद ठंडे पानी से आप ठंडा पानी मतलब ये कि उसको बर्फ़ में जमा कर नहीं भाई जो नॉर्मल ठंडा पानी रहता है उसी तरह उस पानी से आप अपने चेहरे को धो लें कुछ दिनों में इन आप महसूस करेंगे कि जो है चेहरे पर चमक नज़र आ रही है तीसरा नुस्खा है दो चम्मच शहद लें और दो चम्मच कॉफ़ी ले लें और दोनों को मिलाकर पेस्ट बना लें और पेस्ट बनाने के बाद उसको आप अपने चेहरे पर लगा लें 10 से 15 मिनट तक आप लगा रहने दें और उसके बाद हल्का गर्म पानी गुनगुने गर्म पानी से आप चेहरे को साफ कर लें इन इससे भी कील मुहासा वगैरह ख़त्म हो जाएंगे। चौथा नुस्खा है नारियल मिल्क आप ले लें और चाय के चम्मच से एक चम्मच हल्दी ले लें यानी जो है आधा गिलास नारियल मिल्क ले लें और उसमें में जो है एक चम्मच आप हल्दी पाउडर डाल दें और दोनों को पेस्ट बनाकर इतना गाढ़ा हो जाए कि आप अपने चेहरे पर लगा लें पंद्रह मिनट तक आप अपने चेहरे पर लगा कर उसे छोड़ दें और उसके बाद पंद्रह मिनट के बाद ठंडे पानी से आप अपने चेहरे को साफ कर लें कुछ दिनों तक आप इसको इस्तेमाल करेंगे इन इससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा नंबर पाँच पाँचवा नुस्खा हम आपको बता दें कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी चमड़ी में चिकनाहट होती है चेहरे वगैरह पर तेल की तरह चिकनाहट पाई जाती है तो उस चिकनाहट को दूर करने के लिए और चेहरे पर खूबसूरती पैदा करने के लिए हम पाँचों नुस्खा आपको बता रहे हैं कि दो चम्मच आप एलोवेरा ले लें और चाय के एक चम्मच के बराबर आप हल्दी ले लें और दोनों को पेस्ट बना लें पंद्रह से बीस मिनट तक आप उस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगाए रखें और फिर गर्म पानी से आप उसे धो लें इन कुछ दिनों के अंदर आप महसूस करेंगे कि चेहरे के अंदर चेहरे की चमड़ियों पर जो चिकनाहट थी वो चिकनाहट दूर हो जाएगी तो हम इधर उधर से जो क्रीम वगैरह मंगाकर इस्तेमाल करते हैं महंगे महंगे दाग धब्बे भी नहीं जाते हैं और ऊपर से कोई ना कोई चमड़े में ए, कोई प्रॉब्लम स्किन प्रॉब्लम शुरू हो जाता है तो ये सब देसी इलाज है इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं रहता है आप अपने घर में ये सारी चीज़ें देखते हैं इन सारी चीज़ों को बनाकर इस्तेमाल करके आप अपने चेहरे के अंदर खूबसूरती पैदा कर सकते हैं तो ये पांच नुस्खे थे जो हमने आप तक पहुंचाएं, गुजारिश है इस क्लिप को अपने तमाम दोस्तों साथियों तक ज़रूर शेयर करें ताकि अगर किसी को भी इस तरह की ज़रूरत महसूस हो तो वो आसानी के साथ अपने घर पर बैठ कर इस तरह पेस्ट बनाकर इलाज कर सकें असलकम वहल्ला वबरकू